I think up to features. Yes, have we completed all the features of GST? Do you remember something? Ma'am, last tobacco yes, ma'am. Per excise duty charge. कहाँ पे? कौन मतलब features हो गए थे सारे? वो बताइए आप पहले मुझे. ये सारे हो गए थे. No, I think this 12th point was left. Ma'am, 13th point से करना था. Yes. Ma'am. Yes, I remember. मैंने भी हुआ था, but आप बोलते थे explain करेंगे क्योंकि end of the lecture था. हाँ जी बिल्कुल. 12th point हमारा आधे में रह गया था, उसे complete कर लेते हैं, आगे फिर शुरू करेंगे, ठीक है? मतलब हमने 11 points कर ली थी. 12th में मैंने आपको ये बताया था. Let me give you a quick revision about this 12th point. All those who are below the annual turnover, aggregate turnover of rupees 40 lakhs, those who are dealing in goods and talking about them, they are not compulsorily asked to get registered themselves with GST, okay, GST law. Or aisa hi same special category states hain, jinhe northeastern states kaha gaya hai, theek hai? Uski list maine aapko di thi us din. और मैंने ना जो सेकंड हमारा चैप्टर है ना, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी, उसमें मैंने वो लिस्ट डाली हुई है आप लोगों के लिए कि समझो किसी का छूट जाएगा ना, तो वहां से आप रेफर कर सकते हैं. किसी ने नहीं भी लिखा होगा तो डोंट वरी, वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बोला जाता है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को, वो हमारे पास लिस्ट है नेक्स्ट चैप्टर में. एनीवेज मैंने आपको ऑन द स्पॉट दी भी थी, डिक्टेट किया था. उन लोग के लिए जो लिमिट है दैट इज 20 लाख, मतलब 20 लाख तक उनको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके बाद जरूरत पड़ेगी, ठीक है? रजिस्ट्रेशन की बात कर रही हूँ. और नॉट एक्सीडिंग 20 लाख एंड 10 लाख फॉर स्पेशल कैटेगरी वुड बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी इन द केस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स. जब मैं सर्विस प्रोवाइडर की बात कर रही हूँ तो उनकी लिमिट क्या होगी, 20 एंड 10, 20 फॉर नॉर्मल एंड 10 फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स जिन्हें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कहा गया है. आपको याद होगा मैंने अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश ऐसे कुछ स्टेट्स का नाम लिखवाया था, ठीक है? आगे देखते हैं. अब है ना, देखो अब मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी, आपने कोई भी डाउट्स रेज नहीं करने हैं. इस अभी जो मैं सिखा रही हूँ ना, उसमें आपको सबसे पहले आपको सुनना है डिटेल में, हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे. जो अभी वाली पॉइंट आ रही है वो पूरा डिटेल में आएगा, पूरा सब कुछ, कॉम्पोजिशन स्कीम से रिलेटेड एवरीथिंग इज कवर्ड इन चैप्टर नंबर 2 इन डिटेल. सो फॉर एज ऑफ नाउ हम फीचर्स पढ़ रहे हैं जीएसटी के, तो उसका ये भी एक फीचर है. क्या फीचर है? फीचर ये है, जो स्मॉल बिजनेस होल्डर्स होते हैं बेचारे, जो छोटे छोटे जैसे दुकान होता है जिनका छोटा सा शॉप है और जिनका टर्नओवर है ना बिल्कुल छोटा है, कम है, ठीक है? अब ऐसे छोटे क्या कहते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं उन लोगों के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए या कह सकते हैं स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए एक स्कीम निकाली गई. क्या स्कीम निकाली गई? कॉम्पोजिशन स्कीम. कॉम्पोजिशन स्कीम क्या होती है मैम? ये छोटे, मैं बताती हूँ ये क्या होती है. ये ना बिल्कुल जो छोटे टैक्स पेयर्स होते हैं ना, जिनका बिजनेस छोटा होता है, उनके लिए ये स्कीम निकाली गई है. क्योंकि क्यों ये स्कीम निकाली गई है? क्योंकि ऑलरेडी वो लोग अर्न ही कितना करते हैं, तो जीएसटी के पोर्टल पे जाएं, रजिस्ट्रेशन करें, फिर उसके बाद टैक्स पे करें, और फिर उसके बाद ये फॉर्म भरना, वो फॉर्म भरना, ऑनलाइन में ये सबमिट करना, वो सबमिट करना, फिर आपके पास खुद के पास रिकॉर्ड्स रखना, है ना? तो और फिर आपको तो नॉलेज नहीं है, फिर जीएसटी के लिए आपको, मतलब जो जीएसटी आपको फॉर्म भर के देगा या फिर आपके लिए रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा जीएसटी के हिसाब से. म्यूट प्लीज एवरीबॉडी बिकॉज मुझे बार बार बोलना ना पड़े. देखो मेरे लेक्चर में डिस्टर्बेंस हो रहा है. तो ना ऐसे जो स्मॉल टैक्स पेयर्स होते हैं ना, उनके लिए कंपाइलेंस का जो वर्क होता है ना, पेपर वर्क और बैठकर बार बार जीएसटी को फॉर्म भरना है हर 3 महीने में, क्वार्टरली. अब ये मैं तो नहीं कर सकती, मुझे तो नॉलेज ही नहीं है जीएसटी का. मैं तो छोटा सा एक बिजनेसमैन हूँ, बस इतना जानता हूँ कि गुड्स खरीदने हैं, गुड्स बेचने हैं, प्रॉफिट अर्न करना है और मेरा घर चले जैसे.
ऐसे लोग तो फिर जीएसटी के लिए अलग अकाउंटेंट रखना पड़ेगा ऐसे लोगों को, क्योंकि मुझे तो जीएसटी का नॉलेज नहीं, कौन से पोर्टल पे जाऊं, कौन सा फॉर्म भरूं, किस चीज के लिए कौन सा फॉर्म भरूं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के लिए कौन सा फॉर्म भरना है, मुझे तो आइडिया ही नहीं है ना। तो मैंने फिर एक अकाउंटेंट रखना है, पहले ही मेरा एक छोटा सा शॉप है उसमें भी मैंने अकाउंटेंट को सैलरी देनी है, तो मेरे पास बचेगा क्या? तो जो कंपाइलेंस का वर्क है ना, कंपाइल करने का, ये भर, ये पेपर वर्क रखो, ये रिकॉर्ड रखो, ये बहुत सारी चीजें हो जाती है जीएसटी के लिए। तो वो ना हो, स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए झंझट ना हो, इसके लिए उनको इजी करने के लिए कॉम्पोजिशन स्कीम बनाई गई। क्या बनाया गया कॉम्पोजिशन स्कीम में, क्या इजी करके दिया उनको? आपको कुछ भी नहीं करना है कॉम्पोजिशन स्कीम में, बस आपको ये देखना है। पहले 1 करोड़ की लिमिट थी, देखो मैंने हाईलाइट पता है क्यों किया आपको, ये 40, 20, 20, 10, 1, 1.5 करोड़, क्योंकि ये सब चेंज हुए हैं। ये पहले 2019 तक है ना, ये 20 था, ये देखो मेरा कर्सर, ये 20 था, ये 10 था, सर्विस में सेम था 20 एंड 10, ठीक है, सर्विसेज के लिए सेम था, और है ना ये 1 करोड़ था, पहले ये 1 करोड़ था, अभी इसको 1.5 करोड़ की लिमिट लाई गई, मतलब बढ़ा दी लिमिट, और भी अच्छा कर दिया, बेनिफिट कर दिया लोगों के लिए, छोटे स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए, कि जब तक आप 1.5 करोड़ तक, 1.5 करोड़ के अंदर हो ना, तो कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकते हो, आपको जीएसटी में जाकर इतना सब कुछ झंझट करने की जरूरत नहीं है, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप 1.5 करोड़ के एनुअल टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर पे, अब मैम एग्रीगेट टर्नओवर क्या क्या होता है, उसमें क्या क्या लेना होता है, उसमें क्या नहीं लेना होता है, एक्सक्लूजन्स क्या होते हैं, इंक्लूजन्स क्या होते हैं, तो एग्रीगेट टर्नओवर होता क्या, ये सब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 में। तो अभी के लिए सिर्फ आप कॉन्सेप्ट समझिए, बस पूरा डिटेल में अब आपने नहीं जाना है, आपने सिंपल समझना है। स्मॉल टैक्स पेयर्स होते हैं, जो छोटे शॉपकीपर्स होते हैं, जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं, जो स्मॉल लेवल पे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनके लिए स्कीम बनाई गई कॉम्पोजिशन स्कीम, जैसे उनको जीएसटी के बड़े बड़े रिकॉर्ड मेंटेन ना करने पड़े और अकाउंटेंट रखने की जरूरत ना पड़े, एक्स्ट्रा खर्चे करने की जरूरत ना पड़े, ऐसे लोगों के लिए कॉम्पोजिशन स्कीम निकाली गई। और उनको ये बताया गया कि एग्रीगेट टर्नओवर आपका किसी भी फाइनेंशियल ईयर का अगर 1.5 करोड़ से कम है, कॉमन सेंस है, फाइनेंशियल ईयर मतलब यार प्रीवियस ईयर की बात हो रही है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का ही तो चेक करते हैं हम टैक्स में, असेसमेंट ईयर में हम प्रीवियस ईयर की इनकम को चेक करते हैं ना, ये डायरेक्ट टैक्स का पार्ट है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये तो सेम लागू इनडायरेक्ट टैक्स में भी होता है कि आप असेसमेंट ईयर में प्रीवियस ईयर की इनकम को एसेस करते हैं, तो आपकी अगर प्रीवियस ईयर की फाइनेंशियल ईयर की इनकम, इनकम ना बोल के मैं एग्रीगेट टर्नओवर बोलूं तो वो ज़्यादा सूटेबल है, वो अगर 1.5 करोड़ से अंदर है, विद इन द लिमिट ऑफ 1.5 करोड़, ओनली देन अ स्मॉल टैक्स पेयर कैन ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। Under the scheme, a taxpayer shall pay as a percentage of his turnover in state during the year without benefit of ITC. This scheme will be optional. Compulsory नहीं है, आप 1.5 करोड़ के अंदर आते हैं। अब मैंने आपको बोला आप कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकते हैं, यू कैन ऑप्ट फॉर, बट इट इज नॉट कंपल्सरी। इफ यू डोंट वॉन्ट टू गो फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, इवन इफ यू आर इन द लिमिट ऑफ 1.5 करोड़, विद इन द लिमिट ऑफ 1.5 करोड़, बट इट्स योर विश टू गो फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम और नॉट, it is upon you, it depends on you whether you want to choose the composition scheme or not. ठीक है, किसी किसी को आईटीसी चाहिए, मुझे आईटीसी का बेनिफिट चाहिए, तो कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं लेगा वो, बेशक उसका 1.5 करोड़ से नीचे तक का टर्नओवर है। ठीक है, ये बात चल रही है स्मॉल टैक्स पेयर्स की, आप है ना 1.5 करोड़ को मत देखो, फिर आप बोलोगे मैम 40 लाख तो फिर छोटा अमाउंट है और 1.5 करोड़ तो बड़ा अमाउंट है, फिर ये स्मॉल टैक्स पेयर कैसे हुआ, वो कंपैरिजन मत करो, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं चलाना है हमने। देखो 40 लाख है ना उन लोगों के लिए लिमिट दी है जिनका बिजनेस लार्ज स्केल पे, उनके लिमिट है 40 लाख, और जो स्मॉल टैक्स पेयर्स है शॉर्ट लेवल पे उनका बिजनेस है, ज्यादा बिजनेस उनका एनलार्ज्ड लेवल पे नहीं है, उनके लिए लिमिट बढ़ा कर दी है कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए। ऊपर वाली लिमिट कॉम्पोजिशन की बात नहीं करता है, वो नीचे वाली लिमिट कॉम्पोजिशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपने ज्यादा मतलब वो
मिक्सअप नहीं करना है चीजों को, बस अलग अलग चीजें पढ़नी है, क्योंकि पहले से ही ना टैक्स बहुत वास्ट है, हमारे इंडिया का जो रूल्स है ना बहुत वास्ट है, आप एक चीज को दूसरे चीज के साथ मिक्स करेंगे ना तो फिर आप तो बैठे ही रहेंगे, टैक्स कभी नहीं सीख पाएंगे, बहुत चीजें वास्ट है बहुत, और एक एक चीज में बहुत मतलब एवरी पर्टिकुलर पॉइंट हैज मैनी इंट्रीकेसीज इन दैट, बहुत इंट्रीकेसीज हैं, मतलब बहुत डेप्थ में जाकर आपको एक एक चीज है ना बहुत डिटेल में जाकर समझनी पड़ती है, अगर अगर बहुत अच्छे से उसको एक समझना है। पर हमारे जो चैप्टर, हमारे जो सिलेबस है ना वो ऐसे है, मतलब बहुत ज्यादा भी डिटेल में नहीं है, बहुत बेसिक भी नहीं है, समझ में आ रहा है, आपकी लेवल को देखकर बनाया गया है वो, ओके समझ आया। आप डिटेल में पढ़ेंगे, इनको आईटीसी क्यों अवेलेबल नहीं होता है मैम, वो पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे, जब ये चैप्टर आएगा ना सेकंड चैप्टर उसमें पढ़ेंगे। बस अभी के लिए याद रखो कॉम्पोजिशन स्कीम मैम ने बताया, कॉम्पोजिशन स्कीम किन के लिए होती है, स्मॉल पेयर्स, स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए होती है, छोटे बिजनेस वाले लोगों के लिए होती है, छोटे एंटरप्रेन्योर्स के लिए होती है, तो उनको कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकते हैं वो, हाँ, लेकिन कब ले सकते हैं, जब उनका टर्नओवर 1.5 करोड़ के अंदर होगा, करोड़ बोल रही हूँ, क्रोर्स की बात कर रही हूँ, 1.5 करोड़, ठीक है, उनका टर्नओवर की बात चल रही है, इतना तो समझ गए। 13th पॉइंट, सॉरी ये कम्प्लीट हुआ हमारा 12th पॉइंट, 13th देखो, द लिस्ट ऑफ एग्जम्प्टेड गुड्स एंड सर्विसेज वुड बी केप्ट टू अ मिनिमम। आपको ना गवर्नमेंट ने क्या सोचा, हमें ना अक्रॉस द स्टेट्स एंड अक्रॉस द स्टेट और सेंटर को हार्मनी में रखने के लिए, मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा शेयर सेंटर ले रहा है और स्टेट को कम दे रहा है, नहीं ये ना हो, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा गुड्स पर टैक्स लगाने की कोशिश की गई है। एग्जम्प्टेड जो गुड्स है ना उनको, उनकी लिस्ट कम रखी हुई है, कम मतलब 2-4 नहीं बोल रही हूँ मैं, कम मतलब पहले से कम, पहले से उनको कम कर दिया गया, ठीक है ना, वो आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, वो तो एक अकाउंटेंट भी ओपन करके देखता है कि एग्जम्प्टेड कौन से कुछ एग्जम्प्टेड है और कितना, वो प्रैक्टिस हो जाती है ना, जब बहुत प्रैक्टिस हो जाती है 5-6 साल आप इसमें ही हो बिल्कुल और प्रैक्टिस करते रहे हो तो याद पड़ जाती है चीज़ें, है ना, जैसे हम टीचर्स को सिखाते सिखाते सेक्शन याद पड़ गए हैं तो अब बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है सेक्शन पढ़ाने के लिए, ठीक है, ओके तो वैसे चीज है। एक्सपोर्ट वुड बी 0 rated सप्लाई, अब मैंने आपको ये उस दिन चीज बताई थी, चेंजेस क्या लाई गई हैं, इंपोर्ट देखो हमारा जो GST है ना वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखो, हमारा जो GST है पहले एक्सपोर्ट पे टैक्स लगती थी, मैंने पहले वाले लेक्चर में भी बताया, पहले एक्सपोर्ट्स पे कस्टम ड्यूटी वगैरह लगता था, ठीक है, GST नहीं लगेगा अभी, GST नहीं लगेगा, वेयर इज इम्पोर्ट, इम्पोर्ट पे कस्टम ड्यूटी पहले भी लगता था अभी भी लगेगा, लेकिन GST भी लगेगा, क्यों ऐसे क्यों मैम, क्योंकि हमारा GST डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब होता है अगर गुड्स जिस डेस्टिनी पे जाके पहुंचे, डेस्टिनी मतलब आपने जिस जहां पे गुड्स को कंज्यूम किया है वहां पे टैक्स लगेगी ना, अब इंडिया से बाहर गए, देखो इंपोर्ट मतलब गुड्स इंडिया में आए तो इंडिया में भी तो GST लगेगा ना, समझो आप मुंबई में बैठे हो, ठीक है, अब दिल्ली का गवर्नमेंट आपको बोलेगा आपने ना आपने इम्पोर्ट कराया क्या, आप बोलोगे हाँ मैंने इम्पोर्ट किया, आप मुंबई में बैठे हो, ओके क्या इम्पोर्ट किया है, गुड्स इम्पोर्ट किए हैं, कहाँ से इम्पोर्ट किए हैं, US से इम्पोर्ट किए हैं, कौन सी एरिया में इम्पोर्ट हुआ है, मुंबई में इम्पोर्ट हुआ है, बायकला में इम्पोर्ट हुआ है, समझो तो अब बायकला की जो पर्टिकुलर एक बायकला पे कंज्यूम हुए ना गुड्स, मतलब गुड्स कंजम्पशन तो हुआ ना यहाँ पे कंज्यूम हुए, डेस्टिनेशन इंडिया का है, इसीलिए इंडिया पे GST आएगा, इम्पोर्ट के टाइम पे GST आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि GST डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, विद इन एम्बिट ऑफ इंडिया, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, यस कंजम्पशन हुआ इंडिया में, इंडिया के अंदर डेस्टिनेशन है गुड्स का इम्पोर्ट के टाइम पे, वेयर इज एक्सपोर्ट के टाइम पे तो ऐसा कुछ नहीं है, एक्सपोर्ट में आपके गुड्स इंडिया से जा रहे हैं तो GST नहीं लगेगा, इनफैक्ट अच्छा है ना, एक्सपोर्ट पे जितना जितनी ड्यूटीज जितनी टैक्सेस कम होंगी उतना अच्छा, क्यों, क्योंकि एक्सपोर्ट तो मैं कर रही हूँ, सामने वाला तो इम्पोर्ट कर रहा है ना, तो सामने वाले को सस्ते में प्रोडक्ट बन के मिलेगा, क्यों, क्योंकि आपने उसके लिए टैक्स भी नहीं लगाई है, GST नहीं लगाई है,
जो ड्यूटीज है वो भी कम कर दी। आई बात समझ में? तो एक्सपोर्ट्स को एनकरेज करने के लिए जीएसटी उस पे नहीं लगाया गया। और इसका दूसरा रीजन है जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। क्या इंडिया डेस्टिनेशन है इसका गुड्स का? नहीं, इनफैक्ट ये इंडिया से तो जा रहे हैं, कंजम्पशन यहाँ पे नहीं हो रही है, कहीं और हो रही है। वो देख लेंगे ना, वो कंट्री देख लेगी कि मेरे लोगों पर कितना टैक्स लगाना है, क्योंकि उन्होंने बाहर से इम्पोर्ट किया, इंडिया से इम्पोर्ट किया है। इंडिया ने तो एक्सपोर्ट किया है, यहाँ पे डेस्टिनेशन नहीं है ना, यहाँ पे कंज्यूम हो रहे। तो इसीलिए एक्सपोर्ट्स वुड बी जीरो रेटेड सप्लाइज। दस गुड्स और सर्विसेज दैट आर एक्सपोर्टेड वुड नॉट सफर इनपुट टैक्स और टैक्स ऑन फिनिश्ड प्रोडक्ट। उन पे इनपुट टैक्स नहीं लगेगा, फिनिश्ड प्रोडक्ट पे टैक्स नहीं लगता है उनके, क्योंकि पहले आपको फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाकर बेचना है। जब आप खरीदोगे ना, एक्सपोर्ट की बात कर रही हूँ, जब आप खरीदोगे मुझसे, मैंने एक्सपोर्ट किया तो आपके ऊपर मैं टैक्स नहीं लगाऊंगी, इनपुट टैक्स नहीं लगेगा आपके ऊपर। ठीक है, समझ में आया? इतना सबको क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं। एवरीबॉडी, यस यू गाइस प्लीज आंसर सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड। आगे बढ़े, चैट बॉक्स में लिख रहे हो? ओके बेटा, एक्सपोर्ट ड्यूटी सबका अलग अलग होता है, अब ये मैं बताती नहीं बैठ सकती ना, मेरा लेक्चर रह जाएगा, जो मुझे सिखाना है वो रह जाएगा। ये सब एक्स्ट्रा चीजें आप गूगल करिए, ये सब चीजें आपने पढ़नी है, गूगल करनी है, जो भी डाउट्स हैं। मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट है तो पूछिए। एक्सपोर्ट ड्यूटी सबका अलग अलग रेट है ना, जो जो प्रोडक्ट है उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है, जो जो बनता है, जिस जिस हिसाब से आप एक्सपोर्ट करते हो, क्वांटिटी के हिसाब से और प्रोडक्ट के हिसाब से। ठीक है, और कुछ डाउट है? यस, आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस ओके, वेरी गुड, चलो आगे देखते हैं क्या है। यस ओके, मूव हो गया। ठीक है, अब क्रेडिट ऑफ जीएसटी है ना, मुझे नहीं दिख रही अब सारा। हाँ, अब है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो ध्यान से सुनेंगे इसको, एक ही बार में क्लियर हो जाए ऐसा सुनेंगे। ठीक है, क्रेडिट ऑफ जीएसटी। अब जीएसटी, अभी देखो आपको मैंने पहले ही बताया कि आपने सपोज एग्जाम्पल ले लो आपने सपोज टैक्स कलेक्ट करिए 5,000 रुपीज, 5,000 में से 2,500 सीजीएसटी होगा और 2,500 एसजीएसटी होगा। देखो आईजीएसटी के टाइम पे आपको बोलने की जरूरत नहीं है सीजीएसटी एंड आईजीएसटी, नो। जब इंटरस्टेट सप्लाई होता है ना, व्हेनेवर देयर इज इंटरस्टेट सप्लाई, वन स्टेट बिटवीन टू स्टेट्स, जब बिटवीन टू स्टेट सप्लाई होता है तो आईजीएसटी लगता है। तो आईजीएसटी के टाइम पे हम ऐसे नहीं लिखते हैं सीजीएसटी एंड आईजीएसटी, नो। आईजीएसटी तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही कलेक्ट करती है, आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट ही कलेक्ट करती है, तो हमको उसमें स्पेसिफिकली नहीं लिखना होता है सीजीएसटी एंड आईजीएसटी, नो। हमको क्या लिखना है? आईजीएसटी कितना? 12%, समझो एग्जाम्पल। हाँ, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 12% आया है, अब वो स्टेट को प्रपोर्शनेट अमाउंट दे देगा, 6% स्टेट को पहुंचाते। स्टेट नहीं कलेक्ट करती है आईजीएसटी कभी भी, आईजीएसटी कौन कलेक्ट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हमको अलग से नहीं लिखना पड़ता सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। वेरस जब इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है ना, तब आपको दोनों चीजें लिखनी पड़ेंगी, सीजीएसटी इतना, एसजीएसटी इतना। मतलब आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को पहुंचाना है 6% और आपको स्टेट गवर्नमेंट को पहुंचाना है 6%। आई बात समझ में? ठीक है, ये तो बहुत सिंपल पॉइंट है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जब मैं बात कर रही हूँ एग्जाम्पल की, समझो आपने सप्लाई किया, सप्लाई करने के बाद आपको 12% का टैक्स सामने वाले से मिला, आपने भरा था 12%, तो आपने भरा था समझो 5,000, एग्जाम्पल 5,000। ठीक है, अब 5,000 में से 2,500 जाएगा सीजीएसटी और 2,500 जाएगा एसजीएसटी में। ठीक है ना, आपने ऐसे बाइफर्केशन रख के अपने रिकॉर्ड्स में लिख के रखा है। अब आपने जो टैक्स कलेक्ट करी है वो 6,000 है,
जो टैक्स कस्टमर से कलेक्ट करी है वो 6,000 है, क्योंकि आप प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ गई ना, आपने मैन्युफैक्चरर को कम पे किया था, लेकिन आप कस्टमर से तो ज्यादा चार्ज करेंगे ना, तो ज्यादा चार्ज करेंगे तो जीएसटी का रेट 12% ही है, लेकिन अमाउंट तो बढ़ जाएगा ना, ठीक है। तो आपने चार्ज किया 6,000 rupees टैक्स, तो अब आप आईटीसी क्लेम करेंगे। आईटीसी, हाँ मैम पता है आईटीसी क्या होता है, 6,000 में से 5,000 को माइनस करके गवर्नमेंट को 1,000 पहुंचाएंगे, तो 1,000 में से 500 डिवाइड करोगे ना सीजीएसटी और एसजीएसटी में। तो इन शॉर्ट मेरे बोलने का मतलब क्या है, क्रेडिट ऑफ सीजीएसटी, अगर आपके सीजीएसटी के अकाउंट में क्रेडिट पड़ा है, क्रेडिट मतलब बैलेंस पड़ा है, तो जो बैलेंस पड़ा है ना सीजीएसटी में, वो आप सीजीएसटी को पे करने में यूज कर सकते हैं या फिर आईजीएसटी को, इन दैट ऑर्डर, ऐसा लिखा हुआ है इन दैट ऑर्डर। अभी मैम इन दैट ऑर्डर का मतलब क्या है, इन दैट ऑर्डर का मतलब है अगर आपको आईटीसी क्लेम करना है सीजीएसटी का, तो कहां से क्लेम कर सकते हैं, पहले पहले सीजीएसटी में से क्लेम करेंगे, पहले पहले, इन दैट ऑर्डर मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, सीजीएसटी। मेरे खुद के घर वालों को मैं प्रायोरिटी देती हूँ ना, कब कोई चीज लेकर आती हूँ तो नहीं अच्छी लगती है तो मैं सोचती हूँ चलो फ्रेंड को गिफ्ट कर लूँ, चलो इसको पूछती हूँ आपको चाहिए क्या, आप मेरे से खरीद सकते हैं क्या, है ना। सबसे पहले हम अपने घर वालों को प्रायोरिटी देते हैं, तो यहाँ पे भी वही चीज है। सीजीएसटी के लिए खुद का घर वाला कौन है, सीजीएसटी है। तो आप आईटीसी सीजीएसटी की अगर आपको आईटीसी क्लेम करनी है, जो मैंने एग्जाम्पल दिया ना 6,000 rupees, किसमें से क्लेम करोगे आप, 5,000 rupees में से 6,000 में से 5,000 क्लेम करोगे, तो 1,000 आप गवर्नमेंट को भरोगे, है ना। तो आईटीसी आपको क्लेम करना है, जो आपने भरा था आईटीसी, मतलब जो आपने भरा था वो आउटपुट टैक्स में से क्लेम करेंगे। आउटपुट टैक्स मतलब जो आपको गवर्नमेंट को भरनी है, गवर्नमेंट को कितनी भरनी है, 6,000 rupees, जो अभी अभी गवर्नमेंट से लिया, जो सॉरी गवर्नमेंट नहीं सॉरी कस्टमर, जो अभी अभी आपने कस्टमर से लिया वो आपको गवर्नमेंट को पहुंचाना है कि नहीं पहुंचाना है, हाँ पहुंचाना है, उसे कहते हैं आउटपुट टैक्स। क्या कहते हैं, आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स को ये सेंस में भी ले सकते हैं कि मैंने प्रोडक्ट बेचा तो मैंने टैक्स वसूल करी कस्टमर से, तो उसे कहते हैं आउटपुट टैक्स। या फिर कोई कोई बच्चे उसको ऐसे याद करते हैं, आउटपुट टैक्स मतलब जो मैंने गवर्नमेंट को पहुंचानी है, आउटपुट टैक्स पहुंचानी है, जाएगी ये टैक्स मेरे हाथ से जानी है, आउटपुट टैक्स, ठीक है। लेकिन आउटपुट टैक्स में से आप पहले से ही 5,000 rupees मैन्युफैक्चरर को भर चुके हो, तो उसका आईटीसी क्लेम करना है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्रेडिट मतलब क्लेम करना, उसका उसका फायदा लेना, क्रेडिट लेना, ठीक है। आईटी, आईटी मतलब इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स मतलब जब मैंने गुड्स खरीदे थे मैन्युफैक्चरर से, इनपुट ऐसे याद करो, इनपुट मतलब मैंने गुड्स खरीदे, इनपुट गुड्स आए तब के टाइम पे मैंने टैक्स भरी थी, इनपुट टैक्स, मैंने जब प्रोडक्ट खरीदा तब टैक्स भरी थी, इनपुट टैक्स, ठीक है। तो इनपुट टैक्स जो मैंने मैन्युफैक्चरर को भरी थी वो 5,000 rupees थे, तो 6,000 में से 5,000 rupees का सेट ऑफ लोगे ना आप, इसी के तो इसी को ही तो इसी प्रोसेस को ही तो कहते हैं आईटीसी क्लेम करना। आईटीसी क्लेम करना मतलब आप गवर्नमेंट को 6,000 नहीं दोगे, जबकि आपने कस्टमर से 6,000 rupees लिए हैं पर गवर्नमेंट को 6,000 नहीं दोगे। क्यों नहीं देंगे, ये तो इलीगल हो जाएगा, नहीं इलीगल नहीं है, आप होलसेलर को 5,000 दे चुके हो 6,000 में से, तो होलसेलर का काम है 5,000 rupees गवर्नमेंट को पहुंचाना। हाँ गवर्नमेंट को कितना पहुंचना चाहिए, 6,000, तो 1,000 आप पहुंचाओगे, मैन्युफैक्चरर तो 5,000 पहुंचा चुका है अपने ड्यू डेट के हिसाब से, तो गवर्नमेंट को मिल गया ना 6,000 जो कस्टमर ने भरे थे। आई बात समझ में, तो आपने आईटीसी क्लेम करना है, तो सीजीएसटी का आईटीसी कहां से क्लेम करेंगे, पहला इंपॉर्टेंस, पहला प्रेफरेंस सीजीएसटी को देना है, सीजीएसटी में से सीजीएसटी को क्लेम करना है। अच्छा अगर सीजीएसटी में बैलेंस कम है, कम समझो आपने टैक्स भरी है 6,000, सॉरी आपने टैक्स भरनी है गवर्नमेंट को 6,000, आपने गवर्नमेंट को टैक्स भरनी है 6,000 मतलब आउटपुट टैक्स जिसे कहते हैं, और आपने मैन्युफैक्चरर को 7,000 rupees टैक्स भरी है, तब तो सीजीएसटी के अकाउंट में है ही नहीं उतना, है ही नहीं ना। आपने 6,000 में से 7,000 क्लेम कर सकते हैं क्या, 6,000 में से 7,000 कैसे क्लेम करोगे आप,
मैक्सिमम 6,000 में से कितना क्लेम करोगे? 6,000 आपके सेविंग बैंक अकाउंट में 6,000 पड़े, क्या आप सेविंग बैंक अकाउंट में से 7,000 विड्रॉ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो सीजीएसटी के अकाउंट में है ही 6,000, तो आप 7,000 कैसे क्लेम करोगे? आईटीसी जो आप भर चुके हो मैन्युफैक्चरर को, कैसे क्लेम करोगे? नहीं कर सकते। कितना क्लेम कर सकते हैं? मैक्सिमम 6,000। चलो 6,000 तो कर दो, 6 में से 6 सेट ऑफ हो गया, बाकी 1,000 कहां से सेट ऑफ करेंगे? आईजीएसटी में से। आपको ये ऑर्डर बताया है, ऑर्डर मतलब पहले कोशिश करके सीजीएसटी अकाउंट में से सेट ऑफ करने की कोशिश करो। किसको सेट ऑफ करना है? आईटीसी को। किस में से? आउटपुट टैक्स में से। आउटपुट टैक्स क्या होता है? जो गवर्नमेंट को मैंने फाइनल भरनी होती है वो कहते हैं आउटपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स में से आईटीसी पहले माइनस करते हो, फिर नेट टैक्स पे करते हो आप गवर्नमेंट को, पहुंचाते हो, पे नहीं करते हो, पहुंचाते हो। समझा? आपने पे तो कस्टमर ने किया है ना, आप सिर्फ पहुंचाने का काम करते हो। तो आईटीसी सीजीएसटी की, पहले सीजीएसटी में से फिर आईजीएसटी में से। अच्छा यही नीचे आ जाओ सेकंड पॉइंट पे, आईटीसी एसजीएसटी का पहले एसजीएसटी में से फिर आईजीएसटी में से, ठीक है? आईटीसी और आईजीएसटी, अब आईजीएसटी को किस में से क्लेम कर सकते हैं? बड़े ध्यान से सुनो, मिस्टेक नहीं करनी है। आईजीएसटी का आईटीसी को अगर क्लेम करना है तो सबसे पहले घर वाले को इम्पोर्टेंस देते हैं, ठीक है? मेरा घर का कौन है? आईजीएसटी, खुद, हम खुद। तो सबसे पहले घर का आईजीएसटी, आईजीएसटी में से आईजीएसटी को पहले सेट ऑफ करना है। अगर नहीं होता है, उतना बैलेंस है ही नहीं मेरे आउटपुट टैक्स में, उतना बैलेंस है ही नहीं, सॉरी आईटीसी का बैलेंस है ही नहीं उतना, तो मैंने सीजीएसटी में से सेट ऑफ करना है सेकेंड इन दैट ऑर्डर। मतलब कंपल्सरी आईजीएसटी के बाद सीजीएसटी में से ही हेल्प लेनी है, और उसके बाद भी नहीं होता तो जाके एसजीएसटी से हेल्प लेनी है। इतना सबको समझ आया? यही ऊपर सब कुछ लिखा हुआ। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान देनी है, जो शायद यहाँ पे नहीं लिखी हुई है, वो मैं आपको बता दूं। सीजीएसटी और एसजीएसटी आपस में सेट ऑफ नहीं हो सकते। नो, बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा, पूरा गलत। जीरो आपको मार्क्स मिलेगी, जीरो मार्क्स, अंडा मिलेगा अंडा, है ना? ठीक है, उसको फ्राई करके खाने का। ओके, तो आपने ये ध्यान देना है, सीजीएसटी में से एसजीएसटी का क्रेडिट सेट ऑफ नहीं कर सकते। क्रेडिट मतलब आईटीसी, सीजीएसटी में से एसजीएसटी का क्रेडिट सेट ऑफ नहीं कर सकते। एसजीएसटी में से सीजीएसटी का सेट ऑफ नहीं कर सकते। नो, कांट डू इट। समझ में आ रहा है? सीजीएसटी में से सीजीएसटी का कर सकते हैं और आईजीएसटी कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप किसकी हेल्प ले सकते हैं? आईजीएसटी, नेबरिंग, नेबर, ज्यादा से ज्यादा नेबर की हेल्प लोगे ना। आया समझ में? और कि पूरे कंट्री में थोड़ी घूमते बैठेंगे, मुझे हेल्प करो, मुझे हेल्प करो, नहीं, ज्यादा से ज्यादा नेबर से हेल्प लेंगे हम, ठीक है? तो सीजीएसटी के लिए नेबर कौन है? आईजीएसटी है। एसजीएसटी नहीं है, एसजीएसटी से हेल्प नहीं लेगा वो। सेम केस, एसजीएसटी भी सीजीएसटी से हेल्प नहीं लेगा। ज्यादा से ज्यादा वो किससे हेल्प लेगा? एक तो खुद की फैमिली से सीजीएसटी, और या तो फिर आईजीएसटी से। आई बात समझ में सबको? इतना सबको क्लियर है? बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको एक बार सुन के समझ के पूरी चीजें क्लियर करनी। शायद लिखा भी हुआ है, हाँ लिखा हुआ है। आप है ना ऊपर की जो पैराग्राफ है ना 15th पॉइंट, उसमें ना सेकेंड लाइन देखो, लास्ट, इनपुट टैक्स क्रेडिट of CGST cannot be used for the payment of SGST and vice versa. हम ITC का claim CGST का अगर claim है तो SGST में से नहीं कर सकते हैं, और SGST का अगर ITC का claim है तो क्या कहते हैं उसे, CGST में से नहीं कर सकते हैं, ठीक है? सबको clear है ये point? आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस मैम। ओके, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अकाउंट्स, बहुत सिंपल पॉइंट है, सिर्फ गो थ्रू करना है। इसमें क्या दिया हुआ है? अकाउंट्स वुड बी सेटल्ड पीरियोडिकली, जैसे जैसे टाइम आएगा आता जाएगा वैसे हम अकाउंट्स को सेटल करेंगे बिटवीन सेंटर एंड स्टेट टू एंश्योर दैट क्रेडिट ऑफ एसजीएसटी यूज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, जो मैंने ऊपर बात बताई। एसजीएसटी के क्रेडिट को ज्यादा से ज्यादा हम आईजीएसटी से यूज कर सकते हैं।
is used for the payment of IGST is transferred by exporting state of the center. Of course, SGST का credit अगर आपको utilize करना है IGST में से, तो आप exporting center से करेंगे ना, मतलब जिसने export किया है, समझा? जिसने export किया, जिसने बेचा है, वो ही तो set off लेगा, और कौन लेगा? जो supply करता है, वो ही तो ITC लेता है, और कौन लेते हैं? अब मैं आपको supply कर रही हूँ, और मैंने manufacturer को pay किया, तो मैं ही तो ITC claim करूँगी, exporting state, मतलब जो बेच रहा है, exporting मतलब out of India की बात नहीं चल रही है यहाँ पे. एक्सपोर्टिंग मतलब जो एक्सपोर्ट मतलब बेच रहा है, यहाँ पे वर्ड एक्सपोर्ट मतलब बेचना सप्लाई करना, ठीक है. सिमिलरली आईजीएसटी यूज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ एसजीएसटी वुड बी ट्रांसफर्ड बाय सेंटर ऑफ सेंटर टू इंपोर्टिंग स्टेट. अब आईजीएसटी क्या करेगा, एसजीएसटी का सेट ऑफ लेगा, उससे लेगा जिस जो इम्पोर्टिंग स्टेट है, ट्रांसफर उसको करेगा ना जो इम्पोर्टिंग स्टेट है, और किसको करेगा? समझ में आया आपको? IGST used for the payment of SGST. हम IGST को SGST के payment के लिए use कर सकते हैं, लेकिन कब use कर सकते हैं? जब मैं import करूंगी तब तो use करूंगी, ITC claim तब करूंगी जब मैंने वाकई में कुछ खरीदा है आपसे. जब मैंने आपसे कुछ खरीदा ही नहीं है तो मैंने आपको टैक्स भरी नहीं होगी. जब आपको मैंने टैक्स भरी नहीं है तो मैं ITC claim कैसे करूंगी? इम्पोर्ट करने वाले को ही तो ITC का बेनिफिट मिलता है, ठीक है. फर्दर ये सेम है ना, एक्चुअली ऊपर वाली पॉइंट बता रहे कि किसको किससे सेट ऑफ ले सकते हैं, ठीक है. फर्दर एसजीएसटी पोर्शन ऑफ आईजीएसटी कलेक्टेड, जो मैंने एसजीएसटी पोर्शन लिया है आईजीएसटी में से, देखो आईजीएसटी में तो दोनों होते हैं ना, सेंट्रल गवर्नमेंट भी होता है एसजीएसटी भी होता है, दोनों होते हैं, लेकिन कलेक्ट सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, और वो उसका काम होता है कि एक पोर्शन निकालकर वो स्टेट को पहुंचाए. तो वो ही बात बोल रहा है वो कि SGST का जो पोर्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो IGST के नाम पे कलेक्ट किया है B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर से, मेरा बिजनेस है मैं कस्टमर को बेच रही हूँ, मैंने ITC कलेक्ट की सॉरी IGST कलेक्ट किया, अब उसमें से मुझे स्टेट को पहुंचाना है, कुछ तो पोर्शन है जो स्टेट को पहुंचाना है, ठीक है. वुड ऑल्सो बी ट्रांसफर्ड बाय द सेंटर, सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसफर करती है टू द डेस्टिनेशन स्टेट. डेस्टिनेशन स्टेट मतलब जिस स्टेट के यहाँ से ये गुड सप्लाई हुए थे उसको भी तो मिलना चाहिए ना, तब तो वो आईटीसी क्लेम कर पाएगा, नहीं तो कैसे कर पाएगा? जो स्टेट एक्चुअली जिस स्टेट में ये पहुंचना चाहिए उस स्टेट को पहुंचाने की जिम्मेवारी किसकी है? सेंटर की, क्योंकि कलेक्ट कौन करता है? सेंटर करते हैं. वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है, कीप इट सिंपल, कॉम्प्लिकेटेड करना ही नहीं है इसको, ठीक है. द ट्रांसफर ऑफ द फंड्स वुड बी कैरिड आउट ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन रिटर्न.